अस्सलामुअलैकुम टू ऑल माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक होंगे गाइस। तो आप सबको मेरी तरफ से और मेरी फैमिली की तरफ से बहुत बहुत सारी ईद मुबारक। तो सॉरी टू ऑल ऑफ यू, आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं इतना लेट विश क्यों कर रही हूँ। तो गाइस आप लोगों को, काफ़ी लोगों को पता है, जिनको नहीं पता तो मैं बता दूँ, सॉरी जी, मुझे बहुत ज़्यादा जो है फीवर हुआ हुआ था, जिसकी वजह से मैं जो हूँ वीडियो क्रिएट नहीं कर रही थी। मेरी अपनी हालत इतनी डाउन थी कि कोई भी मैं वीडियो जो है बना नहीं पा रही थी। तो आज जो है हम लोग जो है बारबेक्यू कर रहे थे, मैंने सोचा जी चलो आपके साथ इसका जो छोटा सा एक ब्लॉग है मैं वो शेयर कर देती हूँ। तो अभी बस हम लोग बैठे हुए आग वगैरह जला रहे हैं, और ये मनाहिल को देखो, मनाहिल की हैप्पीनेस पीछे आप देख सकते हो। यू नो बच्चों को ऐसी चीज़ों में ज़्यादा जो है ना एंटरटेनमेंट आता है, मतलब मज़ा आता है उनको एंजॉय करने में। तो चलो जी हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का व्लॉग। और हाँ, एक बात मैं आपको कहना भूल गई, अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं और अभी तक आपने नहीं किया मेरा चैनल सब्सक्राइब, तो प्लीज़ मेरा चैनल कर दें सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को कर दीजिए प्रेस, ताकि आने वाला मेरा हर लेटेस्ट वीडियो आपको मिल सके आसानी के साथ। सो चलो जी चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तुम क्या कर रही हो? आर यू हैप्पी? ईद मुबारक बोलो व्यूअर्स को, सबको ईद मुबारक बोलो, सही से बोलो, ईद मुबारक, हाय करो हाय करो। ये बड़ी आप भी जो है ना आग जलाने की कोशिश कर रही थी, पता है इसमें ना हम लोगों को कोयले नहीं मिले, तो हमने बोला चलो जी लकड़ियाँ हैं क्योंकि हम अपने दरख्त थे, हम लोग जो है ना उससे कोयले बना रहे थे। हमने बड़ा इन्जॉय किया, तो मजाक कर रहे थे। एक तो आग नहीं लग रही, इतनी मुश्किल से लगी है ना, बुझे बार बार आग लग रही थी और बुझ रही थी। यही शाम का टाइम था, हमने बस जो है ना 6:30 बजे से जो है प्रिपरेशन हमने रेडी कर दी थी ना टिक्के बनाने की। तो ये होते कि ईद पर नहीं खाया तो किसी ने भी ना, जाहिर मेरी तबीयत ख़राब थी, मैंने सबको मना कर दिया था ना, मैंने कहा जब मैं सही हो जाऊँगी ना तब बनाना, उससे पहले कोई भी नहीं बनाना। तो घर वाले कह रहे उस पर कायम रहे ना, ये बड़ा भाई बेटा वहाँ आग चला रहा था, तो ये लोग कह रहे थे कि ज़्यादा से ज़्यादा लकड़ियाँ हम जला लेते हैं, तो इनके जो है ना पहले हम लोग कोयले बना लेंगे, देन उसके बाद जो है ना अगर एक्स्ट्रा कोयले और मिल गए तो वो भी डाल के जो अच्छे से हम बारबेक्यू कर लेंगे। देखो गाइस, और अभी जो है शाम का 6 बज रहे हैं, और अभी आप ये वेदर की भी देख सकते हो कितना प्यारा वेदर हो रहा है, यू नो आउटस्टैंडिंग। कराची में जो है ना बारिश का बोला हुआ है, तो इस वजह से आप देख सकते हो कितना क्लाउडी वेदर है। और ये जो कौवे हैं ना, इन लोगों ने हम लोगों को बड़ा तंग किया हुआ है, ये बहुत ही जंगली कौवे, इन्होंने बच्चे दिए हैं और हम लोगों की ज़िंदगी को अजीरन कर दिया। सो आप देख सकते हो बारिश में समा बना है, और ये जो है ना ये मेरे भाई के पीछे लगे उसको मारना चाह रहे हैं, तो बच्चे इन्होंने दिया, परेशान हमें कर दिया। सो ये देखिए जी, ये मौसम भी कितना प्यारा है, और ये देखो ये मोहम्मद अंजर है, ये खेलने हैं। हाँ काफ़ी लोग बोल रहे थे इसको आप सामने नहीं लेकर आती, तो मैं सामने इसको बस नहीं लाती थी, लेकिन आज मैं इसको लेकर आई हूँ। आज इसकी मम्मा ने बोला तो मैं इसको सामने लेकर आ गई, वरना मैं इसको लेके नहीं आती सामने। सो यू कैन सी इट, माशाल्लाह अब ये 6 महीने के हो चुके हैं, और मनाहिल देखो इसके साथ खेल रही है, मनाहिल के साथ इसकी ज़्यादा फ्रेंडशिप है। हैंडशेक करो हैंडशेक करो हैंडशेक करो। तो सब लोग जो है प्लीज़ बेस्ट विशेष के लिए दुआ करो हमारे बच्चों के। तो ये देखो गाइस, ये जो है हमारा मसाला लगा के हमने रख दिया था, तो ये रेडी हो चुका है अच्छे से, तो आप देख सकते हैं। और ये देखो जी, ये भाभी जो है ना ये फोटिया लगा रही थी इसके अंदर ना, सीखों के अंदर, थोड़ी बड़ी बड़ी थी, लेकिन हमने इसके अंदर जो है ना मतलब सब गोश्त गलाने के जो मसाले होते हैं वो भी डाल दिए थे, तो जल्दी जो है ना ये गल गई थी, इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगा। मनाहिल को देखो, मनाहिल के साथ बैठी हुई है, बस ये भाभी लगा रही थी सीखों पर, और सब बैठे हुए थे घर वाले साइड ऊपर ना। और ये देखो ये भाई जो है ना सेक रहा था, तो काफ़ी मज़ा आया, हमने बड़ा इन्जॉय किया। इस बहाने आपको पता है कभी कभार इंसान जो है फैमिली के साथ जो उसकी गैदरिंग हो जाती है मज़ा आता है, तो हमने काफ़ी इन्जॉय किया। आई होप गाइस आपको भी ये छोटा सा हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा, तो आपको भी देख के मज़ा आया होगा। तो आज की छोटे से वीडियो के साथ ब्लॉग के साथ हमें इजाज़त दें, ज़िंदगी रही तो अगेन हम कल आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होंगे, तो जब तक हमें इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।